जी मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद विश्व की सबसे बड़ी किसान हित ऐसी योजना किसान सम्मान की, कभी किसी ने किसानों के बारे में सोचा नहीं। अभी दीपावली पे 16,000 करोड़ रुपए एक क्लिक में। पहले क्या होता था किसानों का, वो पटवारी जाएगा, फिर वो मुंशी जाएगा, फिर उसका दलाल जाएगा, 500 रुपए के लिए 400 रुपए रिश्वत लगती थी। अब क्या हुआ डिजिटल 16,000 करोड़ रुपए एक क्लिक से, एक बटन से वो गरीबों के किसानों के खाते में जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, उनका जीवन सरल हो रहा है। और ये लोग बात कर रहे हैं विकास की। ये हमारी कुछ बहनें आई हैं पॉलिटिकल टूरिज्म पर, कुछ बहनें हमारी पॉलिटिकल टूरिज्म पर समाजवादी पार्टी की तरफ से आई हैं। आप ये समझिए विश्व में बहनों के बारे में, माताओं के सम्मान के लिए, विशेषकर ग्रामीण मतदाताओं के सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया, मोदी जी ने उनको इज्जत घर दिया। इज्जत घर, और इज्जत घर क्या है, इज्जत घर उस माँ बहन बेटी के लिए असमय उसको शौच जाना है तो वो कहाँ अपना शरीर उठाए। मोदी जी ने विश्व का सबसे बड़ा सम्मान महिलाओं के बारे में इन्होंने कहा कि मैं प्रचार करेंगे, हम मीडिया पे आएंगे। शर्म आनी चाहिए आपको, बहुत शर्म आनी चाहिए कि ये महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। और इन्होंने वंशवाद की बात की तो रघुराज शास्त्री आपके जो है बहुत वंशवादी है, और आपके यहाँ के जो विधायक है उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष, उनका बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष, बहू जिला पंचायत अध्यक्ष। ये समाजवादी पार्टी के टॉप लीडरशिप की बात करते हैं तो इसमें हमारी क्या गलती, जब भाजपा के जो राय एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी है कि इनका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रंगे हाथों लाखों रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया था, पीएम से नाम के नाम से काम कराने के नाम पर। और ये क्या महिलाओं की बात करेंगे, इनकी सरकार में जो है सबसे ज्यादा महिला। ठीक है जवाब, ये चुनाव जिन मुद्दों पर आप ले जा रहे हैं ये चुनाव उन मुद्दों का नहीं है। ये चुनाव दुर्भाग्य से हमें मिला है, दुर्भाग्य से। हम नहीं चाहते थे, हम तो जिनके लिए ये सबसे ज्यादा जिनके नाम ले रहे हैं, जिनका नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, हम तो उनकी इच्छा पूरी कर देंगे। उन्होंने 2019 में मोदी जी को आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी, हम तो उनकी इच्छा पूरी करेंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। और एक कमल, क्योंकि मुलायम सिंह यादव उनके समर्थक थे इसलिए मोदी जी के समर्थन में एक कमल यहां से जाए, इसलिए हम तो मुलायम सिंह यादव की इच्छा भी पूरी करेंगे। जवाब जवाब जवाब, इच्छा पूरी करेंगे। जनता से कुछ सवाल लेने जी। आज अगर कोई चौधरी चरण सिंह के बाद देश का सबसे बड़ा किसान नेता हुआ जिसने देश की पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी, तो मुलायम सिंह यादव थे। मैं बड़ी मजबूती से कहना चाहता हूँ, आज जिस डेवलपमेंट पर चर्चा हो रही होनी चाहिए, चर्चा आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन आज हम इससे पूछना चाहते हैं क्या कारण था। मैं भी इसी उत्तर प्रदेश का कृषि का कैबिनेट मंत्री था और उस समय कृषि की दर 4.9 थी, आज कृषि दर 3.2 है, जो छत्तीसगढ़ से भी कम है। ये क्या किसानों की बात करेंगे, आज ये क्या किसानों की बात करेंगे। आज किसान आत्महत्या कर रहा है, आज डीएपी के लिए लाइन लग रही है, यूरिया मिल नहीं रही है, लोग जब डीएपी यूरिया के लिए जा रहे हैं उन्हें लाठियां मिल रही है। आज भी आप धान के क्रय केंद्र में देख लीजिए, बिचौलियों और दलालों का धान खरीदा जा रहा है। बताइए प्रदीप जी, नहीं खरीदा मनोज, जवाब लेते हैं जी। प्रदीप भाई बताइए, क्या ये रेलवे लाइन के नीचे ये पथ है इसको नहीं बनवा सकते थे, इन्होंने कभी नहीं किया। ये उपचुनाव ये मैनपुरी केंद्र चुनाव है, मुलायम सिंह यादव जी के निधन के कारण चुनाव हुआ है। तो मुलायम सिंह जी यादव का वो सम्मान समाजवादी पार्टी ने जो 2017 में किया था वो जनता ने भूली है। चाचा भतीजे बेटा मुलायम सिंह यादव ने रोक रहे हैं पुत्र को अखिलेश से, और आधुनिक औरंगजेब अखिलेश यादव पिता का सम्मान कर रहे हैं। इतनी देर में किसानों के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, एक पार्टी किसानों पर नहीं करना चाहती, बात किसान बात में होनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। किसान सम्मान निधि पे यहाँ 1,51,000 किसानों की सम्मान निधि रोकी गई, वो क्यों रोकी गई? मैनपुरी में मुझे लगता है कि हर समाज ने, हर धर्म ने नेताजी को हमेशा नेता माना है। आप ये पॉलिटिकल टूरिज्म करने आई हैं ना, समाज ने उनको नेता माना है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी ने टिकट इसलिए नहीं दिया कि उन्होंने नेता को अपना सब कुछ सौंप दिया। इनकी पार्टी के नेता भी समाजवादी पार्टी से आते हैं, इनके पास एक नेता नहीं है। आपका भी व्यक्तिगत जीवन होगा,
आपका भी व्यक्तिगत जीवन होगा बहन जी, बता दिया आपको किसी राजनीतिक दल के मुखिया नहीं है, एक दोस्त के पिता से नहीं है, वो काम ही नहीं है। मनोज जी इसके करके कार्यक्रम के आखिरी दौर में है, आखिरी दौर में डेवलपमेंट पर बात हो रही थी, डेवलपमेंट जीटी रोड पर आप और ये समाजवादी का प्रतिनिधि मंडल जाओ, जरा भर्रा का भर के देखे, ये जीटी रोड ये नितिन गडकरी ने बनवाया, मोदी जी के कैबिनेट मंत्री ने बनवाया, जाओ देखे जाते। अरे टिकट नहीं मिलने वाला, टिकट नहीं मिलने वाला, यही है समाजवादी पार्टी का जो आखिरी ताबूत है, उसको फिर धकेले समाजवादी पार्टी का आखिरी ताबूत। ये धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी जिनके न रहने के बाद का ये चुनाव है, हमें बहुत तकलीफ है। मुझे विश्वास है कि आदरणीय नेताजी के बारे में गलत टिप्पणी की जा रही है, ये फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट आपका, फिर आपके फाइनल कमेंट। आदरणीय यादव जी जीते जी हमारे वैचारिक रेडी रहे, पूरी बर्दाश्त सुनिए सुनिए आगे फाइनल कमेंट। रुके, मुलायम सिंह यादव जी जीते जी हमारे वैचारिक विरोधी रहे जी, ठीक, हमने उनका राजनीतिक विरोध किया, लेकिन उनका जो हश्र उनके पुत्र ने जब मुख्यमंत्री रहते हुए जो किया, अडवाणी जोशी जी का सोशल मीडिया में है, अडवाणी जी सोशल मीडिया में है, पिताजी करो इजलास हो गए, ये प्रश्न सबने देखा, ये जो औरंगजेब का चरित्र है, ये मुगलिया संतानी है, ये मोदी का काल है, ये मोदी का काल है, ये हमारे मुगलिया संतानी। हमारे साथी जो बात कर रहे थे, इन्हें कालांतर में पीछे जाना चाहिए, जिसके नारे लगते रहे अटल अडवाणी जोशी जिंदाबाद, आज जोशी जी और अडवाणी जी कहां पड़े हैं? सवाल इज्जत नहीं करता, एक बात और जल्दी जल्दी सूरत कौरा और मरे बढ़ाए चौरा, अब चिता पर जाकर कहते सूरत बिन सबेरा, अरे पिता का जीवित आपने अगर सम्मान किया होता तो आपको एक दिन नहीं देखने पड़ते, पिता का जीवित सम्मान किया होता, और ये समाजवादी पार्टी का अहम पता समय है, केवल जिले का रघुराज जी नेताजी को भगवान का चुनाव रघुराज की बात करेंगे, ये नेताजी की बात करेंगे जिन्होंने नेताजी के ऊपर लाठीचार्ज कराया, ये बात करेंगे। अरे भाई मुझे एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।